हे गाइस, तुम सभी का स्वागत है पोकेमॉन ज़ेनोवर्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। और अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो तुमको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर इस सिटी के जिम लीडर को डिफीट किया था, जो कि यहाँ की प्रिंसेस भी है। और आज के एपिसोड के अंदर हम लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट सिटी के अंदर, देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होता है। वेल, मैंने पोकेमॉन्स को इतना ज़्यादा ट्रेन नहीं किया है, तुम देख सकते हो, लेकिन आज का मेरा टारगेट ये है कि मैं एलिकेट को इवॉल्व करूँ एटलीस्ट इलेक्ट्रोबस के अंदर, जिसके लिए मेरे को लेवल 30 का करना होगा इसको। एंड मैंने अपनी टीम में रोजियालो को लाया हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि जो नेक्स्ट जिम है वो हमारा वाटर टाइप जिम हो सकता है, तो मेरे को ज़रूरत पड़ेगी रोजियालो की। और इसलिए मैंने क्या बोलते हैं अपने कैल्वेंचुला को पीसी में रख दिया। ओके, यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि काफ़ी सारे ग्रास होने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग भी करी है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ग्रास हैं, तो मैं रिपेल इफेक्ट यूज़ कर लेता हूँ। एंड मेरे को पता है कि मेरे को ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने यहीं पे ट्रेनिंग की है, तो थोड़ा बहुत चलता है, देखो थोड़ा बहुत तो चलता है, ठीक है। ओके, हम लोग चलते हैं आगे की साइड। और इसके वेट अ सेकेंड, ये क्या चीज़ है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये क्या है। कैसे, अगर तुम्हें पता हो ना कि ये चीज़ क्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, प्लीज़। मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है, बिल्कुल नहीं पता मेरे को, ठीक है। ओके, इधर की साइड रिपेल इफेक्ट ऑफ। भाई आप रिपेल कितनी जल्दी ऑफ हो रहा है भाई, मेरे को ना और चाहिए होंगे रिपेल। या फिर काफ़ी सारे मौसी रॉक्स हैं, आई गेस मौसी ही रॉक्स हैं, जैसे माइनक्राफ्ट में होते हैं ना। कोई बात नहीं, पहले इन पोकेमॉन गिरा मैं भी यार इन पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करते हैं, फिर चलते हैं आगे। ओके, ड्रिल पर एक टीम टाइप पोकेमोन आई गेस। ओके, काम चल जाएगा अपना। मैं यूज़ करता हूँ फ्लेम बर्स्ट। इस बैटल के बाद मेरे को एक चीज़ और करनी है कि जो EXP शेयर है वो मेरे को अपने एलिकेट को देने हैं, ताकि अगर कोई और भी बैटल करे तो उसका एक्सपीरियंस मेरे को एलिकेट को मिलता रहे, ताकि वो जल्द से जल्द इलेक्ट्रोबस में इवॉल्व हो सके। मेरा टारगेट यही है, किसी भी तरह मेरे को अचीव करना है आज इस वीडियो में। 27 लेवल का तो हो ही गया है, 23 लेवल का रोजियाला हो गया हमारा डिगलेट। ओके, डिगलेट के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ एलिकिट को, मेरे को पता है कैसे डिफीट करना है उसको लोकिक मार मार के, क्योंकि मैंने इतनी ट्रेनिंग कर ली है कि थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया हो गया है कि पोकेमॉन को कैसे डिफीट करना है। यहाँ के फ्लेम बस्ट, मुझे पता है मेरे को यहाँ पे वाटर टाइप पोकेमॉन यूज़ करना चाहिए था, लेकिन देखो फायर टाइप अटैक से भी काम बन जाता है हमारा, तो ट्रेनिंग करने का यही फायदा होता है, तुम्हें पता लग जाता है कि कौन से पोकेमॉन को हम डिसएडवांटेज होते हुए भी डिफीट कर सकते हैं। हाँ, पहले एक काम करते हैं, रोजियाला से आइटम ले लेते हैं, ठीक है। और अपने इसके पास भी आइटम पड़ा हुआ है एक, वो भी ले लेते हैं, जो कि है एल्टन बेरी। और आइटम दे देते हैं इसको EXP शेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूँ फिर मैं ज़रा, कि शार्पीडो को ना यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि ये केव है तो हम ये चांसेस हो सकते हैं ज़्यादा कि हमको यहाँ पे ग्राउंड टाइप पोकेमॉन मिले और ट्रेनर्स के पास भी यही पोकेमॉन हो, ठीक है। क्या मेरे को अभी तक ना वो वाला स्टोन नहीं मिला, ज़ेनोलिथ स्टोन। अगर किसी को पता हो ना कि ज़ेनोलिथ स्टोन हम मेरे को यहाँ पे कहाँ मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि शायद से जो हमारे ज़ेनोवर्स पोकेमॉन है, एक्स पोकेमॉन जिसे बोलते हैं, वो ज़ेनोलिथ स्टोन से ही इवॉल्व होंगे, जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि ज़ेनोलिथ स्टोन का काम क्या होगा ये बताओ जरा, ठीक है। अभी तक तो बैटल हमारी काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड बाय द वे गाइस, अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, मेरे को उससे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं तुम्हारे लिए जल्दी जल्दी वीडियोज़ ला सकूँ भाई, प्लीज़। एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है भाई, प्लीज़ कम ऑन गाइस, ठीक है। तो बैटल पे ध्यान देते हैं फिलहाल, एक अटैक और पड़ेगा फिर ये आराम से निकल लेगा यहाँ से। ओके, स्पंडर को तो डिफीट कर दिया मैंने, लेकिन मेरे को देखना है कि इस केव में आगे हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी सीन ऐसा है गाइस कि मैं सब तरफ होके आ गया हूँ, लेकिन मैं एक दिशा में नहीं गया, जो कि है ये वाला रास्ता। एंड आई गेस हमको यहाँ से कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन यार यहाँ पे भी रास्ता बंद ही है, तो मेरे को जाना कहाँ है। ओके, इससे बात करके देखते हैं। ओली जेमसन गॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, कम ऑन हैव अ लुक। ओके, हम लोग इससे क्या क्या बाय कर सकते हैं देखे जरा। सुपर रिपेल, वीकनेस स्टील टाइप अगेंस्ट टाइप होल्डिंग। ओके, बीकन सा सुपर इफेक्टिव रॉक टाइप अगेंस्ट ये।
ओके, इफ हेल्ड बाय अ पोकेमॉन इट रिस्टोर द यूजर एचपी इन अ पिंच बट विल कॉज कंफ्यूजन इफ इट हिट स्टेट। ओके गाइस, कुछ खास है नहीं इसके, मैं खरीदना चाहता भी नहीं। ये क्या है? यप, मैं खोलना चाहता हूँ इस चेस्ट को। ओके, मैं भूल गया था यार, इसके अगर हम चेस्ट खोलेंगे तो हमसे पोकेमॉन बैटल करेगी है। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गई हैं तो बैटल कर ही लेते हैं इससे। ओके, वही म्याउथ है इसके पास, लेकिन इस बार हम इस म्याउथ से डिफीट नहीं होने वाले हैं, हम इसको प्लानिंग के साथ डिफीट करेंगे। ठीक है भाई, मैं सही बोलूँ भाई, मेरे को ये वाला म्याउथ बहुत ही प्यारा लगता है। ओ शिट, ओ शिट, ओ शिट, कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हम हार ना जाएं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम हारने वाले हैं। ओके, मेगा ट्रेन, मैं बच सकता हूँ बचने को तो अभी भी, मे बी, लेकिन अगर इसने वही अटैक मारे तो मैं डिफीट हो जाऊँगा। या मैं गया काम से, मैं गया काम से, बच गया मैं। अरे नहीं, मेरे को लगा बच गया मैं। चलो अब अपने एलेकिट को यूज़ करते हैं और होपफुली इस बार इवॉल्व हो जाएगी। तुम देख सकते हो लेवल 29 का हो चुका है ये, और इसने एक नया अटैक सिखाया जो है फायर पंच, और जो कि बहुत ही जोरदार पंच है भाई, कसम से। बस 470 XP भाई, केक लिया हूँ ना मैं। अपने एलेकिट को यूज़ करने वाला हूँ भाई फायर पंच के साथ। ओके, इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा ये जितना मैंने सोचा था। नहीं नहीं नहीं, बच गया। ओके, लेट्स यूज स्लो किक। यप यप यप, कम ऑन कम ऑन। अब उसने फाइटिंग टाइप में अपना कलर चेंज कर लिया भाई, नॉट अ बिग डील। अपना फायर पंच मारेंगे, ये गया काम से। देखा मैंने बोलता ना, इजी पीजी केक। ओके भाई, इतू सा रह गया बस, वो इतू सा। भाई काम करता हूँ, फटाफट से एक पोकेमॉन ढूंढता हूँ। ओके, ग्रैब द कमॉन। ये क्या है भाई? रेयर कैंडी मिली है भाई, यार मेरे को लगा कुछ अच्छा था देगा हमको ये। ओके, इससे बैटल करते हैं एक बार। ओके, यू मस्ट बी अ बिग फिश। क्या, व्हाट, क्या फिशिंग ट्राई करके देखो एक बार। मैं यहाँ पे, मेरे पास फिशिंग रॉड पड़ी हुई है ना। ओके, मेरे को देखने दो, मेरी फिशिंग रॉड है कहाँ पे? क्या मेरी फिशिंग रॉड? ओके, इसको पकड़ता है। ओ अ बाइट भाई, लेवल 4 का मैजिक आप है भाई, मैं क्या कर लूंगा इससे बताओ, क्या कर लूंगा मैं इससे। लो फायर स्पिन, इसे इतनी एक्सपी नहीं लगी, लेवल 30 का हो जाइए बताओ। 4 XP मिली है, 4 XP बस। ओके, एक काम करते हैं फटाफट से ना, यहाँ पे एक किसी पोकेमॉन के साथ बैटल करते हैं। ओके, अब अपने इलेक्ट्रोबस इवॉल्व हो सकता है फाइनली। लेवल 17 के पोकेमॉन से इतनी वो तो मिल जाएगी हमको कि हम इसको इवॉल्व कर लेंगे आराम से। XP मिलनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। ओके ओके, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा। फायर स्पिन वॉर्टेक्स खेल लिया ना उसको। ओके, लेट्स यूज लो किक, और इसी के साथ हमारा जो है एलेकिट वो इवॉल्व होने वाला है गाइस। फाइनली वो लेवल 30 में इवॉल्व, लेवल अप हो गया, और आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ। यस गाइस, हमारा सबसे पहला एक्स पोकेमॉन आज गाइस इवॉल्व होने वाला है इलेक्ट्रोबस में भाई। इस बात पे ना एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, कसम से। शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ अपने। ओके भाई, कितना कूल लग रहा है इलेक्ट्रोबस, मेरे को देखना है कि इलेक्ट्रोवायर कैसा लगेगा। वो रास्ता है इधर की साइड का, तुम देखो इधर कुछ है लेकिन मैं चेक ही नहीं किया मैंने। रिपेल इफेक्ट ऑफ हो गया, ऑन कर लेते हैं। या मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पे एक स्टेयर जा रही है वैसे नीचे, और हमको स्टार पीस मिल गया एक। चलो उसको हम बाद में बेचने का काम करेंगे, लेकिन पहले नीचे जाते हैं। ओ भाई, ये कौन सी प्लेस पे आ गए हम लोग भाई? ये प्लेस में अभी तक नहीं आया मैं, आऊँगा भी कहाँ से भाई। सीढ़ी, ओ भाई ये रे, टीम डायमेंशन मिल गए। बिस भाई, जाने तो दे आगे मेरे को, ये जाने क्यों दे रहा हमको। ठीक है, जब तक पोकेबॉल ले लेते हैं, आप जो पोकेबॉल पड़ी हुई है। मेरे को प्लीज गाइस कमेंट करके बताना कि हमको आगे जाने क्यों नहीं दे रहा है। क्या मैं इसको पीछे से धप्पा मार के देखूं एक बार? ओके, धप्पा, नहीं नहीं जाने दे रहा हमको। ठीक है, बाकी केव एक्सप्लोर करते हैं। इधर कुछ है? ओ है, या ये टीम मेंबर्स कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मे बी इनको ऑर्डर्स मिले हैं कुछ ना बोलने का।
ओके मैं नीचे की साइड आया था, यहाँ मेरे को टीम डायमेंशनल मेंबर मिले हैं दो, वो भी, और ये हमसे बात कर रहे हैं, मतलब फाइट करना चाहते हैं। वेल शट योर माउथ विद अ बैटल, डोंट मूव। ओ भाई ये तो मेरी फ्रेंड आ गई, प्यारा सा पिकाचू है। चिराग आई सॉ यू कम हियर सो आई रैन आफ्टर यू, आई सी यू हैविंग सम ट्रबल हियर, नीड अ हेल्प अगेंस्ट दीज टू, लेट्स फाइट देन। भाई बहुत ही अच्छा हुआ कि वो वापस से वहाँ लौट के इस वे में आ गया, नहीं तो मेरे को ये लोग मिलते ही नहीं भाई कसम से। बहुत ही बढ़िया हुआ जो मैं चेक कर लिया था। फिलहाल मेरे पोकेमॉन आधे डैमेज हो रखे हैं, लेकिन हम लोग अपनी फ्रेंड के साथ मिलके इन दोनों का खात्मा कर देंगे। ओके स्टील टाइप पोकेमॉन है दोनों की दोनों, अपना काम बन जाएगा। इलेक्ट्रोबस है अपने साथ, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। ओके मैं यूज़ करने वाला हूँ फायर पंच, किस पर यूज़ करें, इस पर यूज़ करते हैं, उसके बाद शॉक बर्ड आई गेस। भाई बहुत ही सही खेल गए हम लोग, बहुत ही सही हमने बहुत अच्छा किया इलेक्ट्रोबस को, मतलब एलेकिट को इवॉल्व करके इलेक्ट्रोबस के अंदर, सही बता रहा हूँ तुमको मैं। भाई पैक से कुछ नहीं होगा, मैंने बोला था पैक से कुछ नहीं होगा, भाई स्टील टाइप पोकेमॉन है भाई वो, पैक से क्या हो जाएगा, फ्लाइंग टाइप अटैक से उसके ऊपर है, स्टील वगैरह विंग यूज करते तब तो मानता भी मैं थोड़ा बहुत स्टील अगेंस्ट स्टील टाइप। ओके गोल बैठना भाई, ये भी आसान है, पहले एक काम करता हूँ। ओके मैं कौन सा यूज़ करूँ, लो किक यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, अब देखते हैं क्या होता है। उससे उसने वापस बुला लिया। ओके हाउंडोर लेवल स्टार्टिंग का पोकेमॉन है, इतना कुछ होगा नहीं खास, अटैक हम पे यूज़ नहीं कर पाएगा ये, देखो मैंने पहले ही बोला था तुमको। वैसे डबल बैटल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा ना अंदर से वो रहता है कि भाई डबल बैटल में कौन जीतेगा, जो दो ट्रेनर्स की कोऑर्डिनेशन होता है ना भाई वही मैटर करता है डुअल बैटल में। स्वीट सेंट रोजियाला, ना भाई मेरे को नहीं सिखाना उसको, ठीक है नहीं स्टॉप या बिल्कुल मेरे को सिखाना ही नहीं है। स्विफ्ट आई गेस एक टीम डायमेंशन के दोनों पोकेमॉन, नहीं दोनों पोकेमॉन नहीं, एक पोकेमॉन तो था ना उसके पास, उसने वापस बुला लिया था उसको, आई डोंट नो। ओके सेंड कर दिया उसने, या मेरे बोलने से पहले ही उसने सेंड कर दिया, ठीक है। अगेन लो किक इसके ऊपर, शॉक बट कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहा, हमने ऑलमोस्ट तीन पोकेमॉन को निपटा दिया है, लेकिन इसने अभी तक एक भी पोकेमॉन को निपटाया नहीं है। तो देखा जाए तो ये डुअल बैटल में ज़्यादा काम मेरा ही हो रहा है ना कि उसका, ठीक है। स्विफ्ट ठीक है, पर मेरे को ये आइडिया नहीं है कि टीम डायमेंशन यहाँ पे आई क्यों है। अगर तुमको पता हो ना कि टीम डायमेंशन यहाँ पे क्यों आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो फिलहाल शॉक बर्ड ने कुछ तो किया गोल बैट के अगेंस्ट, ये बैटल कुछ ज़्यादा लंबी ही हो गई है ना गाइस। ओके कोई अब तो बैटल ख़त्म ही हो गई, वैसे भी इतनी खास भाई लो किक का सन नहीं हुआ, भाई एक ऐसा अटैक कर दियो काम तमाम हो जाए उसका। ना चाहते हुए मेरे को इनसे बैटल करनी पड़ रही है आज फालतू में। रिपेल इफेक्ट भी ऑफ हो गया, कोई नहीं हमको प्रोटीन मिल गया है। प्रोटीन पोकेमॉन्स को ऐसे मैं देता नहीं, मैंने आज तक अभी दिया नहीं है। ओके ओ ये रहे वो लोग, मिल गए। यू डिड वेल डिगिंग आउट दिस फॉसिल्स बट दे आर प्रॉपर्टी ऑफ टीम डायमेंशंस नाउ। भाई तुम्हारे बाप की रात चल रहा क्या, द डिस्कवरी कैन नॉट फॉल इन टू योर क्रिमिनल हैंड्स, बिल्कुल सही बात, प्लीज़ हेल्प मी गाइस। ये बंदा वही है जो ऊपर बता रहा था ना कि इसका फ्रेंड फंस गया है, ये बंदा वही है। चलो फटाफट से इसकी हेल्प करते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा क्रोकोनट पॉइजन हो गया है तो मे बी अभी वो डिफीट हो जाए और मे बी नॉट, क्योंकि चार पोकेमॉन है वर्सेस 12 पोकेमॉन, अपन के पास 6, अपन के फ्रेंड के पास 6, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। वैसे शॉक वर्ड ही यूज़ कर लिया भाई वो, अरे वाह पोकेमॉन हील हो गया मेरा क्रोकोनक ऑटोमेटिक, भाई क्या बात है भाई, हज आगे कते ही, ठीक है। रॉक थ्रो यूज़ करते हैं और शॉक वर्ड यूज़ करिए स्पार्क। ओके स्पार्क से काम बन जाना चाहिए इसका, पपलियन का, पपलियन पपाइट जैसा पोकेमॉन है टोटली, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी तक तो हमारा मैच काफ़ी सही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। शिट यार कंफ्यूज हो गया मेरा क्रोकोनाव, अब इसके अटैक भाई लग भी सकते हैं और नहीं भी लग सकते, अब कुछ देखना पड़ेगा। आज का एपिसोड मेरे को लगता है पूरा स्केप के अंदर ही जाने वाला है मेरे ख्याल से। ओके पपलियन डिफीट हो गया हमारा, अब बस एक ही पोकेमॉन बचा है, ये भी हार ही जाएगा। ओके रोजियाला लेवल 26 का हो गया, तुम यकीन नहीं मानोगे
इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरा रोजियाला लेवल 15 का था, जस्ट लेवल 15, और अब देखो लेवल 27 तक पहुंच गया है वो। भाई ईएक्सपी शियाना भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर तुम अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व करना चाहते हो या फिर लेवल अप करना चाहते हो, बहुत ही ऑसम चीज़ है। बस तुम्हें सही तरीके से उस ईएक्सपी शेयर का यूज़ करना आना चाहिए, वरना तुम्हारे पोकेमॉन लेवल अप नहीं हो पाएंगे ठीक से, अगर तुम एक एक करके ट्रेन करने के भरोसे रहोगे तो। और बातों ही बातों में देखो मेरा पोकेमॉन भी डिफीट हो गया। कोई बात नहीं, अपन के पास इलेक्ट्रोबज है, वो सब देख लेगा ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोबस आया ना मैदान के अंदर, अब तुम्हें दिखाएगा कि इलेक्ट्रोबस की आखिर रियल पावर है क्या भाई। अब तुम्हें पता लगेगी इलेक्ट्रोबस किस खेत की मूली है भाई। भाई मैंने बोला तुमको भाई इलेक्ट्रोबस आएगा तो तूफान उठेगा, समझे। इलेक्ट्रोबस अपने खाते पीते घर का है, वो सबसे पहला पोकेमॉन है जो लेवल 30 क्रॉस किया है, जिसने लेवल 30 टच किया है जिसने, समझे हो। ओके नहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ओके नहीं हुई बेइज्जती, बचा ली। ओके ओके ओके, एक पोकेमॉन और है, कोई नहीं। पहले एक काम करते हैं, एरॉन को हटाते हैं अपने तरफ से। एरॉन भी गयो काम से भाई, ओ बच गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट पंच में उसका खेल खत्म हो जाएगा आराम से। ये लो शॉक बर्ड, नहीं संभाल लिया उसको तो, कोई नहीं। अब एक पोकेमॉन बचा है, इसको हरा के फटाफट से उस साइंटिस्ट को सेव करते हैं, और यहाँ से फिर हम कल्टी मारते हैं नेक्स्ट सिटी में जाने के लिए, ताकि हम वहाँ पे जिम लीडर से फाइट कर सकें। फिर मैप में भी चेक करेंगे कितनी दूर है वो नेक्स्ट सिटी यहाँ से, ठीक है। उसका डिसाइड करेंगे कि एपिसोड कितना लंबा करना है। पीका भाई, पीका चू आता है ना भाई, दिल में धक धक उठती है। ओके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं सोच रहा हूँ कि फायर पंच यूज़ करो उसके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा खास डैमेज हुआ नहीं पिकाचू के अटैक से, इसने कुछ अच्छा अटैक सिखाए भी हैं अपने पिकाचू के, नहीं सिखाए या ऐसी डोल दी है इसको लेके, ठीक है। खेल तो ख़त्म हो गया इन लोगों का, मेरे को वहाँ पे दो पत्थर दिखाई दिए थे, आई डोंट नो कि पत्थर किस यूज में आने वाले हैं हमारे। भाई दोनों, इन दोनों को हराना बहुत ही आसान था सही बताऊँ तो। द बैटल इज योर्स बट द वॉर इज फार फ्रॉम ओवर, There is nothing compared to our general great design. ठीक है, थैंक यू सो मच guys, you saved my life. Those thugs forced me to find these fossils in the cave. At first I was submissive, but when I found these two treasure of ancient time, my scientist mind took over. I never seen such a thing, and I could never let those villains take them. I will give you the honor of picking one to repay you. I am sure it will be safe in your hand. Bhai, thank you so much. भाई फॉसिल्स मेरे को पता नहीं कौन चूज करना चाहिए। द फॉसिल ऑफ ए एंशिएंट पोकेमॉन दैट लिव ऑन लैंड, इट अपीयर टू बी अ हैंड प्रिंट, यू वांट दिस। ओके इसको चेक करूं एक बार। द फॉसिल ऑफ एन एंशिएंट पोकेमॉन दैट केम फ्रॉम आउटर स्पेस, इट अपीयर टू बी सॉलिडिफाइड इंक, यू वांट दिस। भाई मेरे को कौन सा चूज करना चाहिए, चलो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है। हमने लिया है स्पेस फॉसिल, यू कैन हैव इट, आई wouldn't know what to do with it. Haha. Well, so I'm gonna take this one for further experiment in the lab. Chirag, it was nice helping you in such an adventure, but I really gotta go now. कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। Thank you so much मेरी help करने के लिए। Come with me, sir. You can't just cross the cave all alone and without any Pokemon. Bye, Chirag. Bye, bye. Okay, let me check कि जो वो stone है, वो किस लिए use होगा हमारे, ठीक है? मेरे को check करने दो। Space fossil. अरे भाई किसी काम भी आएगा ये, द फॉसिल इज एन एंशिएंट पोकेमॉन। भाई मेरे को लगता नहीं किसी काम आने वाला है हमारे। ओके ये बंदा हमको सीधा चॉप चॉप करके केव के बाहर निकाल देगा, यस। तो गाइज हम लोग फाइनली जो ग्रेविटी टनल है उसके बाहर आ चुके हैं। तो आई गेस गाइज आज के एपिसोड को मैं यहीं तक रखता हूँ। होपफुली तुम सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे पता है कि ये गलत रास्ता है ग्रेविटी टनल पे जाने का, मतलब बाहर निकलने का। तो आगे के जर्नी हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अपने दोस्तों का शेयर कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय।